गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गुड फूड। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारे सोर्सेज क्या हैं फूड के, हमारे टाइप्स क्या है फूड के। तो इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, टेल मी वन थिंग, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, और क्या हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं वी ऑल नीड फूड टू गेट एनर्जी, फूड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। जो हमारा खाना है वो क्या है, हमें एक एनर्जी देता है, ठीक है, हमारी जो ग्रोथ हो अच्छे से, हम फिट एंड फाइन रहें, ठीक है, हेल्दी रहें, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमें खाना खाना चाहिए। देन कम्स हमारे फूड के सोर्सेज क्या है, मतलब हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलेगा। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, हमें जो फूड है वो क्या दो जगहों से मिलेगा, ठीक है, दैट इज ईदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट विद दी फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमारा जो खाना है वो क्या हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलेगा, ठीक है। अभी हम करेंगे कि हमें कौन कौन सा फूड हमें प्लांट्स से मिलता है। देन कम्स सीरियल्स एंड पल्सेस, सीरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इसमें, वीट, राइस, मेज एंड बेयरली आर सम एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स। इसमें क्या है, वीट आ गया, राइस आ गया, मेज आ गया, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सीरियल्स के। पल्सेस, पल्सेस यानी कि दाल, दाल कौन कौन सी होगी, उड़द, चना, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन देते हैं हमें, रिच इन प्रोटीन्स होते हैं ये, एंड विच आर वेरी असेंशियल, जो क्या हमारे हमारे और बच्चों की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी असेंशियल्स होते हैं। तो क्या है, हमें दाल डेली बेसिस पे लेनी चाहिए, ये क्या हमें प्रोटीन्स देंगे। देन कम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या है, उनमें क्या है, काफ़ी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या है, हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो उसके उसमें क्या है, हमें हेल्प करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स एज दे प्रोटेक्टर्स फ्रॉम इलनेस। ओके, देन कम स्पाइसेस, जो हमारे स्पाइसेस हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये हमारे जो स्पाइसेस है, ये हमारी किस में हेल्प करते हैं, हमारे हमने कोई भी चीज़ को कुक किया है, ठीक है, उसमें क्या है, कोई फ्लेवर को ऐड करने के लिए, कोई कलर को ऐड करने के लिए, कोई टेस्ट को ऐड करने के लिए, ये क्या है, हमारी हेल्प करता है हमारे खाने को और स्पाइसी या फिर टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है। ऑयल, वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स ऑफ मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, दीज आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स। हमारे जो ऑयल है वो क्या हमें प्लांट्स से मिलते हैं, प्लांट्स मीन्स जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ये क्या हमें प्लांट्स से मिल रही हैं। तो ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, दीज ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एंड इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंडनट, ठीक है, दीज आर, ये क्या है हमें काफ़ी अच्छे सोर्स है फैट प्रोवाइड करने के। देन कम्स शुगर, शुगर हमें कहाँ से मिलता है, शुगर केन से, शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर केन एंड रूट्स ऑफ शुगर बीट्स। जो हमारी बीट रूट्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो रूट से हमें मिलेगा वो क्या है, हमारी वो भी शुगर होगी, लेकिन वो क्या है, सिर्फ 20% शुगर हमें देता है, लेकिन जो हमारा शुगर केन है, बेसिकली हमें शुगर यहाँ से मिलती है, ठीक है। देन कम्स हमें फूड जो एनिमल से मिलता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वी गेट मिल्क फ्रॉम काओ, बफेलो एंड गोट। हमें मिल्क कहाँ कहाँ से मिलता है, काओ से, बफेलो से एंड गोट से, ठीक है। अ वराइटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज बटर, कर्ड, क्रीम एक्सेट्रा आर प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क। ओके, अब हम सोच सकते हैं कि हमारे मिल्क से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, हमारी कर्ड बनती है, ठीक है, और क्या है, बटर और क्रीम बनती है, घी बनता है, तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा चीज़ भी तो बनता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स है, यानी कि हमारे मिल्क से ही प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। देन कम्स एग्स, एग्स जो हैं वो हमारे एनिमल्स देते हैं, ठीक है, जैसे कि हैंज एंड डक्स, तो हमें एग्स भी, हमें एग्स क्या है, हमें हैंज एंड डक्स से मिलते हैं,
ओके, देन कम्स मीट। मीट हमें किससे मिलता है? गॉड, फिश एंड चिकन। तो यह जब हम एनिमल्स को कट करते हैं तभी जाके हमें मीट मिलता है, ठीक है। तो क्या हुआ ये, द फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, हनी। हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम हनी बीज। ये क्या हमें हनी बीज से मिलता है। एंड इसके यूजेस क्या है कि जो हनी को क्या है, हम ये काफ़ी मीठा होता है, काफ़ी स्वीट होता है, तो इसको हम एज अ स्वीटनर भी यूज़ करते हैं और इसको हम एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक यानी कि ये क्या है, हमारे जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या रोक देता है, ठीक है। और क्या सपोज हमारा कोई थ्रोट में कभी कभी दिक्कत हो या फिर हमें गला ख़राब लगे तो क्या है, उसको आराम पहुंचाता है हमारा हनी, ठीक है। थैंक यू।